अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने एक पुराना एक मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाया था, उसको हम रिव्यू कर लेंगे। ऑब्वियसली वो अभी वेरीफाई नहीं हुआ हुआ, तो उसमें कुछ चीज़ें किस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। दूसरा एक मैं अपना दूसरा एक वेरीफाइड अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें सेटअप है और वो काफ़ी अर्से से जो है वो चल रहा है। दूसरा हम ये देख लेंगे कि किस तरीके से मर्चेंट सेंटर को हमने गूगल एड्स के अकाउंट से जो है वो लिंक करना है। सबसे पहले मैं वही अकाउंट दिखाऊंगा जो हमने लास्ट वीडियो में सेटअप करने की कोशिश की थी, वो वाला पहले मैं अकाउंट दिखा देता हूँ। ये वो अकाउंट है जो हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है सेटअप किया था। अभी भी देखें, ये वही चीज़ आ रही है, वेरीफाई एंड क्लेम योर स्टोर वेबसाइट। एक मरतबा मैं कोड जो इससे दिया हुआ है वो अपनी वेबसाइट पर लगा दूंगा तो मेरा मर्चेंट सेंटर जो है वेरीफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट्स मेरी सारी अपलोड तो हो गई है लेकिन डिसअप्रूव हो गई है। डिसअप्रूव होने का रीजन क्या है वो हम प्रोडक्ट्स में जाके जो है वो देख लेते हैं। अब डिसअप्रूव होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अभी अनक्लेम्ड वेबसाइट है क्योंकि हमने अभी तक वेबसाइट ही क्लेम नहीं की, एक मतलब वेरीफाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। दूसरा ये कि अभी जो है वो इनिशियल रिव्यू में गई हुई है तो वो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पहले हमें वेबसाइट को वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है। ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे तो हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने अपलोड की थी वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं आपके मर्चेंट सेंटर में। उसका ईमेल, उसका प्रोडक्ट टाइटल और उसकी क्या प्राइस है, और फिर फर्दर ये भी बता रहा होता है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब न्यू है, ओल्ड है, आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं स्टॉक है, और उस पर कितने क्लिक्स हुए। अभी मैं आपको दूसरा एक और अकाउंट दिखा देता हूँ जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। ये एक और दूसरा अकाउंट है, इसमें देखें सारी डिटेल्स आ रही है। मैं अभी ओवरव्यू में हूँ कि मेरी कितनी प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं, यानी 3000 वो 3000 प्रोडक्ट्स जो है वो एक्टिव हैं और 532 प्रोडक्ट्स जो है वो डिसअप्रूव्ड हैं। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट्स जो है मैंने तकरीबन 3600 के करीब जो है इसमें अपलोड की हुई है, और जो शॉपिंग एड्स चल रहे हैं उस पर मुझे कितने डेली क्लिक्स मिलते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक और प्रोडक्ट्स का है, मैं इस पर क्लिक करूंगा डायग्नोस्टिक में, तो ये बता रहे एक ओवरव्यू दे रहा है आपको कि कितनी प्रोडक्ट्स मेरी एक्टिव हैं, कितनी जो हैं वो एक्सपायर्ड हैं, कितनी जो हैं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कितनी जो हैं वो डिसअप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं। डिसअप्रूव्ड होने की वजह ये बता रहे कि भाई मिसमैच वैल्यू है, कि हो सकता है कि जो जो फीड हो उसमें कुछ प्राइस हो और मेरे मेरी वेबसाइट का जो है कुछ प्राइस हो। हो सकता है इसका एक रीज़न ये हो कि जिस वक्त गूगल ने फीड को फैच किया हो उसके बाद जो है मेरी वेबसाइट पे सेल लग गई हो और उसकी प्राइसिंग जो है वो चेंज हो गई हो, और अभी गूगल ने उसको दोबारा से फैच नहीं किया, दोबारा से गूगल ने क्रॉल नहीं की है मेरी प्रोडक्ट्स, तो उसको जो है प्राइस मिसमैच हुआ हुआ है। इस वजह से जो है उसने जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिसअप्रूव किए हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं कि आप किस तरीके से जो है किन किन वजूहात की बिना पर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को डिसअप्रूव किया जा सकता है। फिर आप ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे तो ऑल प्रोडक्ट्स में जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं कि कौन सा एक प्रोडक्ट के अंदर कौन सा इमेज है, कौन सा टाइटल है, उसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं क्लिक पर क्लिक करूँ तो क्लिक के कॉलम पर मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट पर जो है हमें क्लिक्स मिले हैं थ्रू शॉपिंग एड्स कैंपेन। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्लिक्स पड़ रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट पे जो है वो कम क्लिक्स पड़ रहे हैं। यहाँ पर मेरी ओरिजिनल फीड है, ये वाली फीड जो है मैंने अपलोड की हुई है इस अकाउंट के अंदर, जिसमें मेरा प्रोडक्ट का आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का लिंक है, इमेज का लिंक है, अवेलेबिलिटी है, प्राइस है, और किस कैटेगरी में है, कौन सा ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, तो हर ब्रांड का नाम जो है यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया, मतलब मैंने ऐड कर दिया, और ये तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं। फिर आप एक वक्त में जो है दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी जो है फीड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, और उसको जो है फिर आप लिंक कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो फीड्स का तो मैंने, अगर एक तो हमने अकाउंट सेटअप के वक्त फीड्स को देखा था कि हम अकाउंट के सेटअप के वक्त हम किस तरीके से फीड्स जो है अपलोड करते हैं,
अगर आपने कोई नई फीड अपलोड करनी है तो आप सिंपली अपने मर्चेंट सेंटर में आएंगे और यहाँ मतलब मर्चेंट सेंटर में आके, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, हम अपने मर्चेंट सेंटर में आएंगे, फीड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी फीड्स आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दोबारा से वही ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले हमने कंट्री करना है कि हम किस कंट्री के लिए जो है ये अपलोडिंग कर रहे हैं। सेव किया, इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया और कहाँ कहाँ हमारी जो डेस्टिनेशन है शॉपिंग एड से फ्री लिस्टिंग है कंटिन्यू किया हमने, और यहाँ पर दोबारा से वही ऑप्शंस आ गए कि आप गूगल शीट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप क्या नाम है किसी लिंक के थ्रू भी आप फैच कर सकते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम अपलोड कर देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे पास ये फीड बनी हुई है शीट पे, तो हम यही अपलोड कर देते हैं। ठीक है, मैंने पहले से बना के रखी हुई है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हम ये प्रोडक्ट्स चले, हम मैं सिर्फ आपको टेस्ट रन करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट फीड्स जो है अपलोड होती हैं यहाँ से भी। वैसे ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो हम दोबारा से देख लेते हैं। कंटिन्यू किया, अपलोड अ फाइल नेम किया, ब्राउज किया और ये मेरे होम पेज यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो है वो पड़ी हुई होगी, फीड्स पे भी इसको मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट अ फीड कर दिया। अब बस ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं उतना ज़्यादा जो है वो टाइम इसको अपलोडिंग में लगता है, तो आप इस तरीके से जो है फीड्स अपलोड कर सकते हैं। जब तक ये अपलोड हो रही है हम दूसरे सेक्शंस में चले जाते हैं, परफॉर्मेंस में चले जाते हैं, डैशबोर्ड परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड में आते हैं कि शॉपिंग एड से अगर मैं लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं पूरे मंथ्स की परफॉर्मेंस देखना चाहूँ, पूरे लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस देखना चाहूँ तो उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस पर बहुत कम बजट मैंने लगाया था, तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू आ रहा है कि मुझे डेली की बेसिस पे कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं मुझे मेरे प्रोडक्ट फीड्स पर, गूगल शॉपिंग एड्स में कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, उसका क्या क्लिक थ्रू रेट है। फिर आप जब नीचे आएंगे थोड़ा सा डैशबोर्ड में ही, इसको मैं ऊपर चला जाता हूँ वापस से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्या क्लिक मिल रहा है, क्या क्लिक थ्रू रेट है, वो सब चीज़ें जो है मेरे पास सामने नज़र आ रही है कि लेट सपोज कि अगर ये एक प्रोडक्ट है तो उसको गूगल शॉपिंग एड्स में मुझे कितने इंप्रेशंस मिले, कितने क्लिक्स मिले। इसी तरीके से ये अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको मेरे गूगल शॉपिंग एड्स में कितने इंप्रेशंस मिले, कितने क्लिक्स मिले, तो आप इस तरीके से जो है फर्दर जो है एनालाइज कर सकते हैं। आप ब्रांड वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स मैं जो है मैं डील करता हूँ तो हर ब्रांड पे मुझे कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। फिर जो मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं यानी फीड्स में जो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, वो हर कैटेगरी लेवल पर मुझे कितने, हर कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे मुझे जो है लास्ट 27 डेज में यानी जनवरी 1 से जनवरी 27 तक कितने इंप्रेशंस मिले, कितने क्लिक्स मिले, तो आप यहाँ से जो है फर्दर चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मर्चेंट सेंटर में रहते हुए चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव हुई हैं उनके क्या रीजंस हैं वो आप देख सकते हैं, फीड्स को किस तरीके से अपलोड किया जाता है वो आप देख सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से जो है मर्चेंट सेंटर को किस तरीके से आपने देखना है, किस तरीके से रिव्यू करना है, किस तरीके से अपलोडिंग करना है, हर प्रोडक्ट के कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं। अगर आपकी फीड यानी आपकी जो प्रोडक्ट फीड है उसमें डिफरेंट ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट्स हैं तो हर ब्रांड के अगेंस्ट कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, हर कैटेगरी के अगेंस्ट क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है कि हम मर्चेंट सेंटर को किस तरीके से जो है गूगल एड से जो है वो लिंक कर सकते हैं, तो आप सिंपली मर्चेंट सेंटर पर आएंगे, यहाँ पर ये निशान आ रहा है, आप लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब होगा क्या कि जिस ईमेल आईडी से मैंने मर्चेंट सेंटर बनाया हुआ है उस ईमेल आईडी से, सॉरी मैं आपको दोबारा पुराने वाले अकाउंट पे चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिंक है, इस ये हमने अकाउंट बनाया था, ये फ्रेश अकाउंट है।
तो हम इसी अकाउंट पर जो है वो लिंक अकाउंट करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिंक अकाउंट पर जाएंगे। अब जिस ईमेल आईडी से मैंने मर्चेंट सेंटर बनाया था, इसी ईमेल आईडी से मैंने ये एक गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट किया था। तो हमने क्या करना है कि जो सेम ईमेल आईडी पर लिंक्ड अकाउंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा होता है। यानी ये जो मेरा एड अकाउंट है, इसकी जो कस्टमर आईडी है वो सेम यही है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको लिंक करना है। यहाँ से जो है लिंक्ड हो गया, एक रिक्वेस्ट गई है। अब हम अपने एड अकाउंट में आएंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर भी जो है लिंक्ड अकाउंट में जाएंगे। अब देखें यहाँ पर जो है, जैसे ही मैंने यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट सेंड की है तो मर्चेंट सेंटर में यहाँ पर जो है मुझे एक मैसेज गूगल एड्स में मुझे एक अकाउंट एक मैसेज आ गया। और मैं अगर लिंक्ड अकाउंट में भी यहाँ से आया हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स में लिंक्ड अकाउंट पर आया हूँ, तो मेरे पास ये गूगल मर्चेंट सेंटर का लिखा हुआ रहा है मैनेज एंड लिंक, यानी एक रिक्वेस्ट जो है हमें रिसीव हुई है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है व्यू रिक्वेस्ट करेंगे और इसको हम अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस गूगल एड्स अकाउंट से ये हमारा मर्चेंट सेंटर जो है वो लिंक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है लिंकिंग कर रहे होते हैं। अब आप कोई भी कैंपेन चलाएंगे, गूगल शॉपिंग कैंपेन हम चलाएंगे, तो उसमें इस मर्चेंट सेंटर में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो तमाम जो है यहाँ पर जो है विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, हो सकता है अभी फिलहाल देख लेते हैं इसको। अब जैसे मैंने शॉपिंग अकाउंट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये देखें ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ये वो ब्रांड है जो मेरे मर्चेंट सेंटर से जो है अटैच है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको लिंक किया, अब मेरी गूगल शॉपिंग कैंपेन में जो है वो ये जो है ये वाला मर्चेंट सेंटर जो है इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम गूगल मर्चेंट अकाउंट को जो है वो रिव्यू करते हैं और हम इसी तरीके से जो है गूगल मर्चेंट सेंटर को हम अपने गूगल एड अकाउंट जो है वो लिंक कर देते हैं। थैंक यू।